स्वागत है आपका, मैं हूं सार्थक और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों, बिग बॉस के घर में आज हुआ था वीकेंड का वार, जिसमें सलमान खान ने पुराने कुछ कंटेस्टेंट्स को बुला लिया है, यानी कि राखी सावंत, विकास गुप्ता, राहुल महाजन, मनु पंजाबी और कश्मीरा शाह को, ताकि वो घर के अंदर कुछ फ्लेवर एड कर सके, क्योंकि जो बिग बॉस का शो है वो काफी ज्यादा बोरिंग जा रहा है। और हमें पता है कि ये कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कि काफी ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने वाले हैं। यहां तक कि विकास गुप्ता ने तो घर में कदम रखते ही हंगामा शुरू कर दिया है। उन्होंने स्टेज पर आते ही सबसे पहले ये बात कही कि एजाज के लिए पवित्रा ने एक स्पेशल मैसेज भेजा है, जो कि है आई मिस यू लव। बेसिकली वो बात वो एजाज के लिए कह रही है। अभी रिसेंटली की भी हम बात करें, जब एजाज ने अपने पर्सनल ट्रामा के बारे में बताया था कि उनके साथ बचपन में क्या हुआ था, जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि सोचा नहीं था कि मैं ये लिख पाऊंगी अपने हाथों से और इतनी हिम्मत जुटा पाऊंगी, पर मैं लिखना चाहती हूँ क्योंकि जो मेरा दिल है वो कम्प्लीटली टूट गया है। यहाँ तक कि हमने शो के दौरान भी उनके बीच में जो केमिस्ट्री है वो हमने देखी थी। पवित्रा घर से जाने के बाद भी एजाज को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सपोर्ट करती हुई हमें दिख रही हैं। वो अपने फैंस से अपील कर रही हैं कि एजाज को वो वोट करे ताकि एजाज इस साल के विनर बन जाएं। वैसे दोस्तों, इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एजाज फिनाले वीक के लिए अपनी जगह बना चुके हैं। वो पहले कंटेस्टेंट थे जिन्होंने अपनी फिनाले वीक में जगह बनाई थी। उसके साथ ही अभिनव शुक्ला भी फिनाले वीक के दूसरे कंटेस्टेंट बने हुए हैं। फिनाले वीक में जाने के लिए 4 कंटेस्टेंट की जरूरत है, अभी 2 कंटेस्टेंट का जाना और बचा हुआ है। ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से वो कौन है और दो कंटेस्टेंट जो डिजर्व करते हैं फिनाले वीक में, उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।